नगर पंचायत शंकरगढ़ में सभासदों, भाजपाइयों व नगर पंचायत कर्मचारियों ने चीनी सामान का विरोध करा और शहीद अमरवीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। जी हां, आपको बता दें, प्रयागराज जिले के नगर पंचायत शंकरगढ़ में कार्यकर्ताओं ने आज गुरुवार को दोपहर सभासदों, भाजपा कार्यकर्ताओं व नगर पंचायत के कर्मचारियों ने मिलकर चीनी सैनिकों को द्वारा भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या के विरोध में 2 मिनट का मौन धारण करा। चाइना सामानों का विरोध करते हुए 20 शहीद वीर अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें उन्होंने भारत माता की जय, चीनी सामान का बहिष्कार करा आदि नारे भी लगाए। साथ ही साथ नगर पंचायत सभासद सुजीत केसरवानी ने नगर के समस्त नागरिक से अपील की कि नगर के सभी लोग चाइना सामान का बहिष्कार करें, कोई भी चाइना सामग्री न खरीदें। आज भारत की वजह से चाइना आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, जिसका बहिष्कार करके हम लोग उसे कमजोर बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह भाजपा मंडल उपाध्यक्ष व सभासद प्रतिनिधि सुशील पांडे ने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्या जैसे इस गंदे कदम को देखते हुए आज पूरे भारत में चीन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। हम लोग चीन के सामान को बहिष्कार करके उसकी कमर तोड़ देनी है। वही भाजपा मंडल अध्यक्ष कुलदीप पटेल ने कहा कि चीन के इस गंदे कदम पर भाजपा चुप नहीं बैठेगी, हम लोगों को मिलकर चीन सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करा। क्षेत्रवासियों से अपील किया कि वह अपने घरों में स्वदेशी निर्मित सामान ही खरीदें, चाइना सामान का बहिष्कार करें, ताकि हम लोग चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकें, उसे परास्त कर सकें। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से सभासद सुजीत केसरवानी, शंकरगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष कुलदीप पटेल, मंडल उपाध्यक्ष सभासद प्रतिनिधि सुशील पांडे, बल्लू केसरवानी, करुणा त्रिपाठी, भाजपा शंकरगढ़ मंडल मंत्री कुशल जैन, राजकरण यादव, कैलाश कुमार, विजय बहादुर, किशोरी लाल, संजय आदि सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की खास रिपोर्ट। चीनी सैनिकों द्वारा जो कल हमारे सैनिकों के ऊपर कायरतापूर्ण ढंग से हत्या की गई, निहत्ते भारतीय सैनिकों के ऊपर, उसका हम सब पूरे देशवासी नगरवासी लोग घोर भर्त्सना करते हैं। हमें गर्व इस बात का है कि हमारे सैनिकों ने, जो कि निहत्ते होते हुए भी 1 से 2 गुना चीनी सैनिकों को मारते हुए भी अपने बलिदान दिए। हम सब लोग नगर से यही अपेक्षा करेंगे कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें, चीनी सामानों की खरीदारी ना करें, इससे चीनी लोगों का आर्थिक क्षति होगी, यही हमारे सैनिकों के प्रति वो होगा, श्रद्धांजलि होगी। जैसे कि आप वरिष्ठ सभासद हैं नगर पंचायत शंकरगढ़ के, जी, तो नगर पंचायत द्वारा इसके विरुद्ध क्या किया जा रहा है? नगर पंचायत द्वारा यही आह्वान हम लोग करेंगे, अभी तो आज हम लोग बलिदान ले लेंगे, कुछ कल या परसों का हमारा कार्यक्रम रहेगा कि चीनी सामानों को हम लोग होली जलाएंगे, जला करके, और लोगों से यही अपेक्षा करेंगे कि चीनी सामानों की खरीदारी वो लोग ना करें। हम लोग जागरूक करेंगे चीनी नगर के लोगों को कि कौन सा सामान चीनी है, कौन सा हमारी भारतीय सामान है, इसकी लिस्ट आप जारी करेंगे? जी जी जी। और आपके द्वारा आज क्या कैसे इसका विरोध प्रदर्शन किया गया? अभी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता एवं नगरवासी लोग मिल करके अभी हम लोगों ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि रूप में अर्पित किए। तो उसमें आपने क्या किया? 2 मिनट का मौन रखकर हम लोगों ने उनके परिवार प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। आपका नाम? सुजीत केसरवानी, सभासद नगर पंचायत शंकरगढ़। मैं कुलदीप सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष शंकरगढ़। मैं आज इस श्रद्धांजलि के में सब लोग इकट्ठा हुए और सारे लोग जो है शोक पत्र मनाए और हम उनके परिवार को, शहीद परिवार को जो है शांति का परिचय दिए। और काकात्मा जो सुजीत भैया बोले कि चीन के जो भी सामान उसका बहिष्कार किया जाए, और भारत सरकार से भी यही अपेक्षा है कि जो चीन का सामान आयात निर्यात हो रहा है
उसमें जो है रोक लगाएं और पूरी तरीके से प्रतिबंध करने के बाद जो है हमारे इंडिया के जो भी है मेक इन इंडिया के थ्रू उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करके विकास करें। जैसा कि आप शंकर मंडल के अध्यक्ष हैं जी, तो ये आपके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या मुहिम छेड़ी जाएगी इसको लेकर के? अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यही हो उम्मीद छेड़ी जाएगी कि इसकी सूचना हम जो है प्रदेश और जो है केंद्र तक देंगे कि जो चीन का सामान जो है आ रहा है इंडिया में उस पर रोक लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कार्रवाई करके एकात्मक जो चीनी सामान है इसमें प्रतिबंध लगाया जाए मार्केट पे। जी आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी।